हम आपको न्यूमेरिकल रिले के बारे में बताएंगे। ये देखिए, आप सीमेंस कंपनी का ही न्यूमेरिकल रिले है, सीप्रोटेक 7SD61। ये जो न्यूमेरिकल रिले है, ये नॉर्मली आपका लाइन डिफरेंशियल रिले के लिए यूज होता है। आप देखिए, इधर ये लिखा है लाइन डिफरेंशियल रिले, ये नॉर्मली लाइन डिफरेंशियल रिले के लिए यूज होता है। आप उनका आगे का जो स्पेसिफिकेशन है वो पहले देखते हैं। ये आपका डिस्प्ले बोर्ड है, ये जो आपका LED डिस्प्ले है, कौन सा फॉल्ट में वो ट्रिप किया, आपको LED चेक करने के लिए नीचे LED का स्विच है, ये दबाने से सारे लाइट जल जाता है। और ये शॉर्टकट इवेंट लॉगिन है, मान लीजिए कोई भी फॉल्ट हम इसको प्रोग्रामिंग करते हैं शॉर्टकट देखने के लिए। आप देखिए, इधर एक पास में जो एक रिले है उसमें इवेंट लॉगिन लिखा है, मेजरमेंट लिखा है, लिस्ट ऑफ फॉल्ट लिखा है। ऐसे हम इस रिले में भी इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये आपका प्रोग्रामिंग करने के लिए व पासवर्ड डालने के लिए ये आपका न्यूमेरिकल पॉइंट है। आप उसमें देखिए, चार की है, अप एंड डाउन है, लेफ्ट एंड राइट है, और एक एस्केप है, और एक एंटर बॉटम है, और एक मेनू है। ये सारे जो चीज़ है इसमें हम रिले को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और इवेंट और मेजरमेंट देख सकते हैं। अभी उसका फंक्शन और सेटिंग के बारे में जानते हैं। पहले मेनू दबाते हैं, मेनू दबाने के बाद अनाउंसमेंट आ गया, कंट्रोल आ गया, कंट्रोल के नीचे अभी सेटिंग्स आ गया। हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जा के डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हमारा इधर एनेबल है। ये डिफरेंशियल लाइन डिफरेंशियल के लिए यूज़ किया गया है। और डायरेक्ट ट्रिप, ये डायरेक्ट ट्रिप हमारा एनेबल है। उसके नीचे फिर देखते SOFT, स्विच ऑन टू फॉल्ट ओवर करंट, ये भी एनेबल है। उसके बाद बैकअप ओवर करंट, ये डिसेबल करके रखे हैं हमने। उसके बाद है ऑटो रिक्लोजिंग और एयर क्लोजिंग, और ऑटो रिक्लोजिंग कंट्रोल मोड, और ये आपका थर्मल ओवरलोड में चले गए, और थर्मल ओवरलोड में चले गए और ट्रांसफार्मर कनेक्टिविटी देखने के लिए। अभी हम उसको प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे प्रोग्राम करते हैं। अभी हम पावर सिस्टम में जाएंगे, पावर सिस्टम में एंटर किए, उसमें हम जान सकते हैं सिटी का डिटेल क्या है, सिटी का प्राइमरी सेकेंडरी और सिस्टम सॉलिड अर्थिंग है कि बा कोई थ्रो यानी रेजिस्टेंट इंडक्टेंस अर्थ है कि नहीं, वो सारे हम जान सकते हैं। देन उसके बाद हम ग्रुप ए में जाएंगे। ग्रुप ए में जाने के लिए हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए जाएंगे। फिर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के जाके वो ऑफ कंडीशन में है, तो फिर उसको डिफरेंशियल फास्ट स्टेज का हम देखेंगे। 0.2 mA में सेट है, और उसका जो स्विचिंग ऑन है, स्टेज वन का स्विचिंग ऑन है, वो 0.4 mA में सेट है। फिर स्टेज टू में हम जाते हैं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर स्टेज टू 1.2 mA में है, और उसको फिर डिफरेंशियल का स्टेज टू एंड स्विचिंग ऑन जो है 2.4 mA में है। तो अभी हम जानते हैं कैसे सेट करते हैं वैल्यू। तो वैल्यू सेट करने के लिए आपको मान लीजिए 0.20 mA है, उसको हम चेंज करेंगे। तो पहले एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद वो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड है 6x0, तो हम 6x0 उसमें डाल के फिर एंटर की दबाएंगे, तो आपका ये स्क्रीन में ये आ गया। अभी हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम देखिए, ये 0.20 है, हम उसको 0.30 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं। अब देखिए, 40 कर दिए, फिर करने के बाद फिर जैसे एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने से ये वैल्यू आप देखिए इधर 0.40 चला गया। जाने के बाद फिर हम उसको ऑफ कंडीशन में है, तो फिर हम वो ऑन करेंगे कि ऑफ करेंगे, फिर हम उसको दबाए, दबाने के बाद फिर आर यू सी ओ टू एस्केप, यस करेंगे तो एंटर दबाएंगे तो हम इसमें से एस्केप हो जाएंगे। सो, ये कितना इजी है आपका न्यूमेरिकल रिले में कोई भी वैल्यू डालने के लिए, व कोई भी वैल्यू को डिलीट करने के लिए व बढ़ाने के लिए। अभी हम दोबारा देखते हैं, डिफरेंशियल में ऑन हो गया। अभी नीचे चल के देखते हैं, ये पहले 20 एम्पियर था, अभी 30 एम्पियर हो गया। फिर हमारा रिक्वायरमेंट 20 एम्पियर है, तो फिर हम उसको 20 एम्पियर कर देंगे। अभी उसको हम 20 एम्पियर कर देते हैं। देखिए, एंटर की दबाया और 6x0 दबाया, पासवर्ड दबाने के बाद फिर एंटर दबाया, दबाने के बाद फिर 40 एम्पियर को 20 एम्पियर कर दिया, करके फिर एंटर दबाया, दबा के फिर बैक किया, बैक करने के बाद फिर एंटर दबाया। फिर थोड़े टाइम वेट करते हैं, वेट करने के बाद फिर आपका जो सेटिंग है 0.4 एम्पियर से 0.2 एम्पियर हो जाएगा। अभी फिर रीचेक करके एक बार देख लेते हैं। आप देखिए, स्टेज वन में 0.2 एम्पियर फिर हो गया। तो दोस्तों, दिस न्यूमेरिकल रिले इज यूज फॉर डिफरेंशियल लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, एंड ये सीमेंस का है। थैंक यू।